मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर, यहाँ पे लाइटिंग का देखता हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। मेरा नाम मनदीप है, मैं यहाँ पे पिंक जोन, लेडीज जोन, लेडीज की सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करना वो मेरे अंडर है। सुबह 3:30 बजे हम उठते हैं, उसके बाद 6 बजे यात्री निकलते हैं। हम डिसमेंटल करके नेक्स्ट लोकेशन पहुंच के अपनी टीम की जो एरिया है आपको पहले कवर करते हैं यात्रियों को सेफ महसूस होने के लिए। हमारे पास एक एरिया होता है अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट का, जिसकी सारी लाइटिंग हमें करनी होती है। बेसिकली सबसे ज्यादा इशू है वो है लेडीज वॉशरूम का, और वहाँ पे पानी फिल करवाना, उसकी हाउसकीपिंग करवानी, लेडीज जोन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी, और उनकी कंप्लेंट्स जो भी होती हैं लेडीज की वो सब हैंडल करना, उनको रिजॉल्व करना। यात्रियों के लिए समझो कि हम एक रोज नया गाँव बसाते हैं। एक बार भाई इस कंटेनर जोन में आओ और एक बार देखो कि कहीं पर कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। जैसे हम 2 महीने से यात्रियों के साथ हैं, हमें ऐसा महसूस है कि ये हमारे एक परिवार है, और हमने ये चीज देखी है जितनी लेडीज हैं सब हमको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमको छोटे भाई हैं। कोई फेस्टिवल या किसी का बर्थडे होता है हम यहीं पर ही आपस में सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई हमें ऐसा लगता ही नहीं, हम तो एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। पब्लिक का प्यार देखा, लोगों की हिम्मत देखी, राहुल जी की हिम्मत देखी, 30-30 किलोमीटर रोज वॉक करनी, पब्लिक को साथ लेके चलना, छोटा हो बड़ा हो सबको साथ लेके चलना। इस यात्रा में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, हम उन्हें लैंग्वेज समझ आए ना है लेकिन हम उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उससे हमें एक चीज का पता लगा है कि हाँ, अगर कुछ करना है तो हिम्मत दिखाओ, सब कुछ होगा। टांडी यात्रा के बाद आई थिंक ये सबसे बड़ी यात्रा है, और इस यात्रा से बदलाव होगा और 100% होगा, जिसका हिस्सा हम भी हैं, और हम भविष्य में कह सकते हैं कि हम उस रैली का हिस्सा हैं जिसने भारत को बदला है। और इस सफर में जो प्यार और मोहब्बत हम आपस में कायम करेंगे वो हमेशा रहेगा। हमारी तरफ से कुछ भी गलतियां, कभी कुछ हुई, गुस्से में किसी ने कोई भारत यात्री या किसी ने भी कुछ बोला, उसके लिए माफी, और ये रिश्ता हमेशा बना रहे प्यार और मोहब्बत के लिए।